दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, फिर मुझे जैसी से क्यों प्यार हुआ? प्रेजेंटिंग जैसी, उफ, अति ब्यूटीफुल, क्लासी, इंटेलिजेंट, क्लास टॉपर, 98.9% एंड सेक्सी, 100%. साड़ी में जीन्स एंड स्कर्ट वाली लड़कियों को कॉम्प्लेक्स. अभी मम्मी से मिलवाऊं, अभी इसी वक्त जैसी के हाथ में 111 रुपये शगुन दे और घर ले जाऊं. तो पंगा क्या है? पंगा ये है कि आज उसकी शादी है. ജസി മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടും കൂടെ റോയ് തോമസിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. കിസി കെ ബി സാത്ത്, മേരെ സാത്ത് നഹീ. ക്യാ ഹൈ, കിധർ ജായേംഗെ? നിഖിൽ എഡി ദോസ്ത് ഹൈ മേരാ. നഹീ നഹീ, കോയി നിഖിൽ നഹീ ഹൈ ഇധർ, ചലിയെ. ഹേ സച്ചിൻ, सॉरी यार. क्या यार निखिल, तेरे को कोई जानता भी है क्या? छोड़ ना, तीन खान शुरू कर रहा है भैया. बोलो तो ना मेरे साथ. ये मैं हूँ सचिन, इंजीनियर हूँ, जॉब्स करता हूँ, बट टिकता नहीं हूँ. टिकता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मन नहीं टिकता. मन मेरा सिनेमा में है, मुझे बनानी है फिल्म्स. बस फिल्म्स देखता था, अब बनाने का मन करने लगा. सिनेमा कब मेरी लाइफ बन गई पता ही नहीं चला, और कब बन गया मेरा पंगा नंबर एक ये भी पता नहीं चला. ढेर सारी दोस्ती, ढेर सारे सपने और उम्मीद, ऐसे दिन थे. अरे यार नहीं यार, आज जॉगिंग से लास्ट डे खेला था ना, हाथ दर्द हो रहा है. बड़े कैमरामैन होके क्रिकेट को नो सर, इंडिया में क्रिकेट और फिल्म्स के अलावा है ही क्या? इमोशनल कर देता है यार तू सचिन तेंदुलकर. सर वैसे भी मोस्टली सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के रिलेटिव्स होते हैं, मेरा तो कोई स्कोप ही नहीं है सर. किसे करेगा असिस्ट? सर अनुराग कश्यप, क्या है कि मामला तेरा डग हो जाएगा. बंदा तो ठीक है, वो पहली फिल्म है ना, थोड़ा विजन अपना फ्रेश रख. रमेश सिप्पी. रोहन सिप्पी? अरे उसका बाप रमेश सिप्पी, उनको कर सिप्पी. मैं कैमरा कर रहा हूँ उनका. और क्या है कि सीखने को मिलेगा तेरे को, बड़ा कुछ मिलेगा, कलरफुल कुछ, यू नो, शोले, शक्ति, समझ रहा ना? सर ये वाला मिल गया जुहू में बंगलो अपार्टमेंट तुम्हें. बाकी जय कैसे में? पापा ने दिमाग लगाया कुछ, रीडेवलपमेंट एंड ऑल. अच्छा, अभी एक ही हफ्ता हुआ है, कौन सा अपना है सर? अपना भी हो जाएगा यार, अभी तो झूके मजे लो. लेफ्ट में बच्चन साहब का बंगलो, राइट में अपना ऑफिस, चमरसी आ जाएगा. अच्छा खासा तेरे डैड का दिमाग है यार, मुझे समझ नहीं आता तुझे फिल्म्स के लिए क्यों मना करते हैं. वही सर, क्या करें? करते हैं तेरे डैड का सेट, पहले खाना खिलाओ. मिस्टर अनय, हम लोग तो उनमें से हैं जो कमाते हैं, जोड़ते हैं, खाते हैं और मस्त होकर सोते हैं. यस सर. फिल्में तो हम लोग देखते ही नहीं है. आखिरी फिल्म देखी थी शोले. शोले? उसके बाद तो कोई फिल्म ही नहीं बनी. ये बात तो है. बताओ सर, व्हाट अ कोइंसिडेंस, जादू है सर ये. सर मैंने इसका नाम जो है शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को ही रिकमेंड किया है. पता सर, हिज कमबैक फिल्म, फ्यूचर ब्राइड है सर इसका. क्या बताऊं मैं? स्टैम्प पेपर पर लिख के देते हो? अरे सर मतलब है सर, ये कुछ कर सकता है सर. मुझे तो नहीं लगता. तो मैं जानता हूँ सर, ये है इसके अंदर कुछ. अरे मैं तो बाप हूँ इसका, मुझे भी तो पता होगा ये क्या कर सकता है. सर आपको तो सब पता है सर, पर होता क्या है सर कि बीइंग अ फ्रेंड, मैं इसमें सर एक स्टोरी टेलर तो देखता हूँ सर. सब भारी हो गया था, लाइफ की वाट लगी हुई थी कि जैसी दिख गई. सोचने समझने से सब मिलता है, पर प्यार तो बस ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही बिना जरूरत के जरूरत बन जाता है, ऐसे ही आंखों के रास्ते दिल में डायरेक्ट उतर जाता है. अब्राकडाब्रा, झूमंतर, स्माइल, काम, मैजिक, म्यूजिक एंड शटक, शटक, शटक. You're in love. I live upstairs. होते जाओ
सचिन ये क्या कर रहा है तू? क्या हो रहा है भाई? पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ। यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर फील कर रहा हूँ। अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं। शाम पहले पहल जब के तुमसे मिली थी नजर, ऐसा चक्कर आया कि अब ये न जानू के जाऊं तो जाऊं किधर। हुसाना तुम सामने थी एक पल, हुसाना अगले ही पल थी उछल। अब क्या बताऊं मैं इस हाल में हूं मैं, यहाँ वहां बस अपना दिल और होश ढूंढता हूँ मैं। मदहोशी दीवानगी जाती है फूलों में, वैसे ही तुम एक तस्वीर के जैसे छाए हो इन आंखों में। हुसाना तुम जो मेरा ख्वाब हो, हुसाना दिल क्यों ना बेताब हो। कहूँ तो क्या कहूँ मैं क्यों दीवाना हूँ, तुम्हारे बारे में ही हर घड़ी में सोचता हूँ क्यों। बस हाथों में आते हो।
मलयाली क्रिश्चियन है वो। जैसी मद्रासी ना। सब क्या मद्रासी होते हैं? केरला, केरला से है वो। सेम थिंग ना। आगे बता। हम लोग मराठी कोंकणस्थ ब्राह्मण है, पता है ना? तो नहीं हो सकता कुछ भी, डंडे पड़ेंगे डंडे। हाँ ओके। व्हाट ओके? हाइट देखी उसके पापा की? मुझे 100% पता था कि उसे देखते ही तेरे हार्ट में वायलिन बजने लगेगा। Really? I'm proud of you. You should be. वैसे तुमने उसे पटा भी लिया ना, फिर भी कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। और उसके पापा लॉयर हैं। सेम स्वीट। आ जा वैलेंटाइन। बहनें पागल होती हैं भाई, मतलब अच्छी बच्ची पापा की, अच्छी बच्ची मम्मी की, ठीक है? इनकी बिल्कुल नहीं सुननी। इश्क में बहनों की नहीं, दिल की सुनते हैं। क्या कह रहे थे? हाँ जैसी जैसी। हाँ हाँ, तो अभी क्या है, अभी हमें सिर्फ ये सोचना है कि कैसे जैसी को अप्रोच करें और कैसे उसे प्रपोज करें। दैट्स ऑल। फोकस सर। फोकस ओके सर। अरे तेरे को नहीं रे बाबा, और कुछ होता मेरे भाई। एक और रॉकेट। अब तो तुम बिल्कुल अबाउट टर्न हो जाओ। क्या? मैडम ने की है BSc 3 साल पहले और तुमने इंजीनियरिंग लास्ट ईयर। तो अच्छा है, तो क्या हुआ? हाँ, तभी तुम मैथ्स में फेल होते थे। डूड, 1 साल बड़ी है तुमसे। क्या कह रही हो तू? 18 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं लगती। या यू विश ब्रदर। 1 साल बड़ी, ऊपर से क्रिश्चियन, पंगा नंबर दो। 1 साल बड़ी है तुझसे? हाँ सर। किस्मत खुल गई तेरी। हमारे यूपी में ना एक कहावत है, बड़ी बहू के भाग बड़े। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, वो आजकल महाराष्ट्र में भी ये सेट है। यूपी महाराष्ट्र भैया भाई। उस्ताद, लड़कियाँ जो है वो सब प्यार करती हैं, लेकिन अगर 1-2 साल बड़ी होती है ना लड़की, तो प्यार में थोड़ा केयर ऐड करती है। बेबी, शोना, कूची खू, और ऐसी लड़कियाँ जो हैं सब कुछ संभाल। क्या सर? तो फिर घबराने का नहीं ना। मैं कहाँ सर, जैसी घबरा जाएगी सर। यही तो आर्ट है, जैसी को भी घबराने नहीं देने का। आर्ट ऑफ लविंग। Who the hell is she? She's mine. Hi, I'm Jerry. Hello, panga number 3. Sachin, Jesse's brother. इसकी तो शक्ल पे ही लिखा है पंगा। हेलो, ये मेरा घर है। आई नो आप जेसी के डैड हैं। तुम जेसी को जानते हो? यस, आई मीन ही इज माय फ्रेंड। ओह, यू मीन जेरी। ओके, आपके बेटे का नाम जेरी है? ओके, या जेरी। क्या करते हो? मैं मैकेनिकल इंजीनियर। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर घर आइए कभी, वैसे आप ही का है, पर आइए कभी। श्योर। पंगा नंबर 4 काफी लंबा लग रहा है यार। सर आपकी हाइट क्या है सर? व्हाट हाइट? 6'3" अमिताभ बच्चन की भी सेम है। कौन अमिताभ बच्चन? बस इधर बाजू में ही रहते सर। ओह, नेबर। नेबर। इतना गंदा रूम कैसे रख सकता है तू? माँ प्लीज। अच्छा सुन, पापा बहुत नाराज हैं। उनको लगता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। यस माँ। तुमसे बात करनी है, शाम को घर पे ही रहना, ठीक है? बिल्कुल लता ताई जैसी आवाज है। अरे चुप, लैंडलॉर्ड की बेटी है। अच्छा, ऊपर वाली। दूर रहना। माँ, यू नो माय टेस्ट। ये काम मेरी बहन ने सुपर्ब किया, जैसी को घर ले आई। रीडेवलपमेंट के पास
दो से तीन बेडरूम हो जाएगा। तो I think it'll be nice. Okay. Hey, Jesse, ये मेरा भाई है। Hi, I'm Sachin. पता है। सारा दिन तुम्हारी मम तुम्हें ही बुलाती रहती है। सचिन ये, सचिन वो, ऊपर तक आवाज आती है। Yeah. तुम्हें भी पता चल गया कि I'm jobless. No, no. मेरा वो मतलब नहीं था। पता है, तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? In fact, मलयालम से भी अच्छी है। कब से हो तुम? आप मुंबई में? Born here, brought up here. Call me तुम ना। But Kerala, कितनी कमाल की जगह है। बहुत बार गया हूँ मैं। मिलता है ना वहाँ पे स्टीम केक्स और वो टॉरी एंड ऑफ कोर्स मोहनलाल। मोहनलाल कौन? बाप को बच्चन नहीं पता, बेटी को मोहनलाल। क्या करूँ यार इनका। He's one of my favorite actors. वैसे और भी बहुत कुछ है टॉरी और मोहनलाल के अलावा केरला में। Yeah, true. I know. Kerala में कहाँ घर तुम्हारा? पुलिंगुन्ना, एलपी। I mean, अम्मा पापा पुलिंगुन्ना से हैं। नाम बहुत डिफिकल्ट होते हैं वहाँ। I mean, तुम केरला जाती हो? दादी वहीं रहती है, उनसे मिले जाना ही होता है साल में एक बार। She's so cute. बहुत मजा आता है मुझे। But यार, अब तुमने BSc in maths किया है? I mean, how could you study maths, yeah? I like math. But it's so difficult. जब कुछ आपको अच्छा लगता है तो वो सिंपल हो जाता है। मुझे भी अच्छा लगता है मैथ्स, पर शायद मैथ्स को मैं नहीं अच्छा लगता हूँ। I know. तुमने तो इंजीनियरिंग की है, राइट? मैकेनिकल। कोई फायदा नहीं है। भाई साहब फिल्म्स बनाएंगे। He wants to be a filmmaker. Really? Yeah? Yes. मतलब अभी सोचा है, कल बनाऊंगा। थोड़ा मुश्किल होता है, मैथ से भी मुश्किल, लेकिन अच्छा लगता है तो सिंपल हो जाएगा। मैंने पता है आज तक लाइफ में 5 ही फिल्म देखी हैं। रियली? क्यों? पापा ने अलाउ ही नहीं किया। कौन कौन सी देखी है? याद नहीं। बट व्हाई? हम लोगों में से सिन मानते हैं, अगेंस्ट रिलीजन। आई मीन मेरे डैडी ये सब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। भाई कट लो। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ, वो बैंक में चेक डिपॉजिट करना है, तो आई विल सी यू लेटर। एटम बॉम्ब फट गया भाई, फिल्म तो देखनी चाहिए इसे। मेरे सामने से एक झटके में पूरी दुनिया गायब हो गई। फॉलो हर वाला फॉर्मूला हमेशा काम करता है। जेसी के ऑफिस के साथ मैकडॉनल्ड्स है, तो मैकडॉनल्ड्स तो आना ही आना है। Jesse, should I order a burger for you? I have a chicken burger. Okay, fine. तुम मुझे follow कर रहे हो? और तुम? मेरा office है यहाँ।
I work here. मेरा कोई ऑफिस नहीं है. I'm Villa. Fillet of fish. My favorite. घर पे नहीं बनता ना. One veg burger. Okay. And two chicken burgers. Rice. बता दे चोरी चुदाना. No, thank you. That's about it. Okay. Thank you. So, what do you do? Program analyst with Sintel. खाओगे तुम कुछ? नहीं, मैं खा लूँगा. Okay. Okay, see you. Yeah, bye. May I take your order? Your order, sir? Sir, your order, please. देखने देना भाई. Sir, order दीजिए. फिर सामने बैठकर जी भर कर देखिए. No. Cricket. खेलना है सचिन तेंदुलकर. Humor, huh? अच्छा. You're hot. Huh? बहुत hot है आज. Hot. Blue really suits you. Thank you. कोई आ रहा है क्या? आ सकते हैं. कौन? मेरे डैड. And he will kill me अगर तुम्हारे साथ देख लिया तो. क्या कह रही हो तुम? सच्ची में? क्या एज है तुम्हारी? 22. Oh. Okay, that's fine. बोल दूंगी तुम छोटे भाई हो मेरे. I'm 23. मतलब अगर डैड ने देखा तो तुम्हारे साथ. देखो मैं कोई भाई भाई नहीं हूँ तुम्हारा. Actually, you're right. मेरा एक ही भाई काफी है. One painful brother is enough. No. दुनिया की सारी लड़कियां मेरी बहनें हैं, पर तुम्हें नहीं बनाऊंगा. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. I'm in love with you, Jesse. अब करता हूँ तो करता हूँ. इतना जल्दी मुझसे बड़ा इडियट कहां मिलेगा? अब क्या करूं? सॉरी बोलूं? किसको बोलूं? कहां है जैसी? सचिन, क्या कई कह रहा? क्या कैसे पता चला? मॉम ने बताया था. उसकी ग्रैनी से मिलने गई पूरे 7 days. देखा तुम्हें सुबह शाम घर के चक्कर काटते हुए. गर्दन में भी दर्द हो गया होगा. नहीं, so save it. She's gone to Alappi and that's not in Madras. मेरी बहन बकवास करती रही और मैं केरला पहुंच भी चुका था. अगर सनी पाजी ट्रक लेकर पाकिस्तान जा सकते हैं तो मैं केरला क्यों नहीं? आने सर का क्रेडिट कार्ड हुआ स्वाइप एंड हम पहुंचे सीधे फ्लाइट से केरला. और चंद्रमान में तेरे लिए नहीं आया, अपने लिए आया हूं. केरला आने का मौका कोई कैमरामैन नहीं छोड़ता. सागर ना मित्र ते ना करियो जैकी. और जैसे मैं आज तेरे लिए आने हूं ना, वैसे एक दिन तू भी किसी के लिए आने होगा. अब वैसे भी तेरे को इश्क में पड़े हुए देखकर मजा बड़ा आ रहा है यार. क्यूट लग रहा है साले. मैं पूरे एलपी के 4 चक्कर लगा लिए यार. कोई और जैसी ढूंढ ले भाई. भैया अपनी प्यारी बहना को फोन करो कि प्लीज ऊपर जाए जैसी के घर पे. उसकी मम्मी से थोड़ा हाय हेलो करे. बहाने से जो है ना यहाँ जैसी की दादी का एड्रेस ले ले. कैसे होगा सर? नहीं होगा. अरे छोटी बहनें ये सब कामों में बहुत अच्छी होती हैं भैया. प्लीज मार मुरा जाएंगे नहीं तो. 40वां शुरू हो गया मेरे भाई.
ये टांगे अब माँ बहन हो जाएंगी इनकी। पता नहीं क्यों कह रहा हूं पर सचिन आशिकी में ना टाइगर है ना या चीता जैसी 100% तेरी। अने सर क्या हुआ? सर एक बात थी सर, सर अगर हम टाइगर में थोड़ा आइंस्टाइन का दिमाग लगा दें तो? सचिन पागल है क्या तू कुछ? हाँ सर, सर नहीं मतलब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया सर, आज संडे है तो क्या करूं यार। सर जैसी है क्रिश्चियन और आज होता है मास, जैसी पक्का आएगी चर्च सर। सचिन यहाँ केरला में भाई घरों से ज्यादा चर्च होते हैं यार, संडे को नहीं उठता चाहे सुनामी भी आ जाए। प्लीज सर अपनी जैसी तो सबसे अच्छे और सबसे बड़े चर्च में जाएगी ना, तो चलते हैं ना सर, शांति भी मिलेगी। प्लीज यार। शांति कौन? करुणानिधिम स्नेहपूर्णनुमाय पितावाम दैवमे। अगर यहाँ भी नहीं आई तो क्या करेगा? सर यहाँ का सबसे बड़ा चर्च है, यहाँ तो आएगी आएगी। कैसे? डिटेलिंग सर, सिनेमा नीड्स डिटेलिंग। अच्छा बनाओ तुम्हारी डिटेलिंग। രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ വീഴ്ചകളെയും സങ്കടപൂർവം ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, ഇവയെല്ലാം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കേണമേ. അൻപുള്ള യേശുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപഭാരം तेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती? बॉर्डर का गाना क्यों गा रहा है? अटैक करने आया या इश्क करने? सर इश्क पर अटैक। सर देखो वो पलटेगी सर, इन 10 seconds। अच्छा तुम बड़े अंतर्यामी हैं। नहीं सर, TDLJ का शाहरुख खान। Tick tick one, tick tick two, tick tick three, tick tick four. तेरी माँ की जेब में सही ऑर्डर का मिसाइल फेंका तूने मेरे आशिक मेरे शाहरुख खान। चल उसने देख लिया ना, निकल दे। चल 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 यहाँ से चल चल मैं समझा कर चल सर रुको ना सर चल ना चल ना आएगी मिलने तेरे से। आजा आजा बाहर आजा बाहर आजा। सर जैसी आ गई। क्या कहा था? What are you doing here? जैसी वो सॉरी बोलना था, आई मीन मैंने कुछ जल्दी ही बोल दिया, आई लव यू। वो मुझे लगा तुम अपसेट होगी, मतलब मुझे भी बुरा लगा तुम गायब हो गई, पता चला तुम यहाँ हो, मैं यहाँ आ गया सॉरी बोलने। I'm sorry जैसी। ओके अच्छा तुम मेरे क्लासमेट होगे, मैं ये कहूँगी प्लीज जैसी मेरी दादी आ रही है। जैसी he's on it sir। Hi big camera man। Nice to meet you sir। Just a friend। ओके जैसी आरुके अमोले इधर है। इधर एक फ्रेंड आना सचिन, इधर क्लासमेट। ക്ലാസ്മേറ്റോ? ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യനാണോ നിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്? ये समझ में आ गया तुझे? नो नो चाइल्डहुड फ्रेंड्स ऑल थ्री ऑफ अस। आई एम जेसीज क्लासमेट। वेरी 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 आ रहे जेसी। दिस इज माय अंकल जॉर्ज।
Sachin, my classmate. Oh, hello, 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 hello. Hello. Jesse, Roy, uncle. Ma? Hello. This is classmate. My sister Reena. Hello. Sachin in the classmate. Hi. This is an uncle. Hello. My cousins. Hi. Hello. He put a kepper on our bed. Avada vannittu Jesse kutti veruga. Innittu lunch kazhichittu poga. बहुत से आना पड़ेगा किसी से भी पूछना कलीपुरकल के लिए कलीपुरकल हाउस तुमको बड़ा लंच पे जाना है क्या चक्कर है क्या फैमिली है सर आप सॉरी बोलने जाओ हाय लंच पे इनवाइट कर ले हेलो हेलो ये बड़ा इसी का से जॉर्ज इंटरेस्ट को दबा थे हेलो लाइक टू ले हेलो डिफिकल्टी तो नहीं हुआ हुई हुई हुआ इन हिंदी हुई डिफिकल्टी നിങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനി ആണോ നഹീ ഹിന്ദു ഹാ ഹിന്ദു ഫ്രം മുംബൈ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ യഹ ബർത്ത് ദോ സാതേ ഹേ ഡിഫിക്കൽ അച്ഛാ Last time Jesse was in Kerala, 20 friends, sir. Aya. Aye? Aya? 20 friends, I in Hindi. Aye? But, samajh gaye, sir. Kya keh rahe chotu? 20 ladke aur hai, piche piche. Dost, sir. Right, right. ഈ ഭാഗം ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ പേലെ ആയോ തും യേ പൂച്ച് രേ വൺസ് ആയാ ലിറ്റിൽ ഹിന്ദി ആത്താ ആതി അബ ആതി മേരെ ബാപ് ആതി സർ ആതി കൈച്ചോ 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 ജെസ്സിയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണോ ആ ശരി तुमको भी मैथमेटिक्स अच्छा लगा करेक्ट लगता सर ना बेस्ट मीन करी इंदा जोली जोली हाँ जॉब जॉब माय जॉब सिनेमा सर फोटोग्राफी कैमरा मम्मूटी Sorry, sir. No mathematics, sir. Oh, no mathematics. Arey. किसी भी problem है cinema से. मारेगा तो नहीं है. जितना 5 फुट अंदर है ना जमीन के उतना ही बाहर है. बाहर सर वो. George. Digestion sir. After eating, walking sir. कहीं चा. Yes sir. आप भी कहीं चा sir. Curry उन्नत है, fish curry उन्नत है, मटन curry उन्नत है. कहीं चलो. You know what? इस बार मैं अकेली क्यों आए हो बताया तो था मुझे लगा तुम गुस्सा तो मैं हूं जाने दो ना जैसी बात करना तो मत छोड़ो हो जाता है सब इतना सीरियसली मत लो तुमको सीरियसली नहीं लेती मैं लेता हूं एक्चुअली उस समय थोड़ा जली था आई एग्री बट अब 10 दिन हो चुके हैं उस बात को अब तो आई एम क्रेजी अबाउट यू भगवान कसम 22 साल मुंबई में ऐसा नहीं लगा बस अब तुम एंड तुम हो ये भी बात एक्चुअली बतानी थी तुम्हें एक सेकंड भी नहीं रह सका मैं और आने सर भी है? तुम्हारे बिना अपना टाइम मत खराब करो सचिन कोई फायदा नहीं होगा क्यों एक तो लव मैरिज और तुम हिंदू हो पर मैं अच्छा इंसान हूँ तभी डैड नहीं मानेंगे पर हम अब और मुझे घर से भागना भी नहीं मैं अपने डैड के अगेंस्ट नहीं जा सकती
एंड पता है मैं मुंबई में 23 साल रही हूँ, यानी मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ सचिन, मैं तुमसे, और ये भी प्रॉब्लम है। वो सब चलता आजकल। देखो मुझे भी तो तुम्हें लाइक करने दो ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ये बात तो है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, तो पहले हम फ्रेंड्स बनते हैं। लव गया तेल लेने, ओके? ओके। जब मर्जी चाहे बात करें, जब दिल करे मिले। फ्रेंड्स। यस, राइट अप्रोच। तो मिला हाथ? कुछ डर वर नहीं लगता तुम्हें फ्लाइट में बेटा, बेवकूफ मत बनाओ। कोई साला तुम दोस्त वोस्त भी नहीं बने हो, समझे? अब दोस्ती के नाम पे जो है ना सेकेंड इनिंग्स खेलोगे, सब ड्रामेबाजी है। वंस अ रोमियो इज ऑलवेज अ रोमियो, उतनी के करेक्ट सर। क्या नहीं खैर, अरे यार मुंबई में जाके करना रोमियो के लिए, यार बोर हो जाऊंगा मैं अकेला यार फ्लाइट में। सर आने सर, आप जाओ ना, मुझे बहुत फोकस करना पड़ेगा सर ट्रेन में। फोकस की से गहरी ये आंखें झुकती उठती शर्मीली सी आंखें, ये आंखें सपनों की राजधानी, सारे जुगनू तारे इनसे ही जगमगाना सीखे। ओ ओ भूलो जैसी है ये लड़की, है ये लड़की परियों जैसी है ना, वो भोली भोली कोई कोई हिरनी सी है ये लड़की, कोमल कोमल ये लड़की, सुंदर लड़की, नाजुक नाजुक ये लड़की। तेरी जुल्फ की महकी हुई जो छाऊं है वो है मेरी मंजिल, तेरे सारे गम मेरी सारी खुशियां अब दोनों की है, है कहता दिल जैसी है ये लड़की, है ये लड़की परियों जैसी है ना, वो तमन्ना है और दिल में तू है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? कैसे हाथ पकड़ा तुमने? ऑन द ट्रेन तुमने कहा था हम फ्रेंड्स हैं, ऐसे बिहेव करते हैं फ्रेंड्स? फिर तुम्हें किस भी किया ट्रेन में जैसी, और तुमने भी तो नहीं रोका ना, हम कितने अच्छे। ओ, मैंने भी तो नहीं रोका ना, इसलिए I'm sorry सचिन, it's my fault. मेरा मतलब वो नहीं था। I should have even talked to you on the train. Please sit, Jesse. Please, Jesse. ठीक है, मैंने कहा कि हम फ्रेंड्स हैं, रहेंगे, पर जैसे ही मैंने तुम्हें ट्रेन में देखा सब कुछ गायब हो गया। It was just love. अभी भी तुम वहां बैठी हो और मैं यहाँ, पर मुझे लग रहा है कि मुझे वहां होना चाहिए, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। जैसी कमाल की केमिस्ट्री है हम में। Can't you feel it? Look, this is love, Jesse. That's it. I'm crazy about you. I'm mad about you. बात करनी है, जाना मत। कोई लव कुछ भी नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है। हो गया किस? हो गया, पता नहीं क्यों तुम मेरे सामने बैठे हो और मेरे सामने ही बैठे हो, मेरे कोई पास नहीं, साथ नहीं, मुझे सिर्फ सिंपल गुस्सा आता है और कुछ नहीं। सचिन, मेरी बहन ने भी यही सब किया था, तब भी सिर्फ रोना धोना झगड़ा ही हुआ था। मेरे डैड ने मुझे प्रॉमिस लिया है कि मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगा। लाइक तो करती हो ना मुझे जैसी, मेरे लिए इतना बहुत है। तुम लव हैंडल करो ना जैसी, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। सचिन, आई लाइक यू, बट मुझे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, सिंपल, समझ रहे हो तुम? Bye. What? Don't go. Jesse. बजट आधा हो गया सर पार्टी का, इतना सा रह गया बस, नहीं तो हम वुडकैन में नहीं, मैरियट में स्कॉच मार रहे होते। यानी कि आई लव बोल दिया, वही रह गया। सर यू आर अ जीनियस। क्या फर्क पड़ता है जीनियस से, अपनी तो स्कॉच रह गई ना। लड़कियां ऐसी होती हैं भाई। वही सर, लाइक करती है पर प्यार नहीं करेगी। करेक्ट। मैं घन चक्कर रोने हो, चक्कर काट के पूरे मुंबई का, अटका तो किस झूले पे? सब पूरी दुनिया में जैसी ही क्यों सर? ये अति ब्यूटीफुल लड़कियां दिमाग खराब कर देती है सर। अबे एक बात बताओ, बंदी वर्थ है या नहीं? जान दे सकता हूं सर मैं। बस सही है फिर, लव की मां की जय, चेयर्स मारते हैं। एक कोक दो भैया इसको। मेरी शक्ल में 12 बजे हुए हैं एंड ये फ्रेश गुड मॉर्निंग, वो भी 6 AM जैसी दोपहर के 3:30 बजे। कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं है ये? पता नहीं क्यों बुलाया है, क्या रॉकेट फेंकने वाली है अब? हाय सचिन। हाय। चले? Are you sure? तुम मूवी देखोगी? इंटरवल तक देख सकते हैं और फिर कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। हाँ, इंटरवल तक। बहुत बोरिंग हो गई है सचिन, रोज ऑफिस घर ऑफिस घर, एंड आज तुमसे मिलने का मन करने लगा। रियली? या आज मैंने अपने डैड से बोला कि आफ्टर 6 भी काम है, ओवर टाइम नौना पर नहीं है,
तुम फिल्म देख रहे हो? अच्छी है फिल्म? यहाँ बात कर सकते हैं? अच्छी तो है, तो हम बात भी कर सकते हैं। सचिन can we be this without love? हमको दोस्त ही रहना चाहिए। पहाड़ में जाए फिल्म, चलते हैं। तुम्हें पता है सचिन, तुमने पहली बार किसी ने मुझे किस किया है? आज तक किसी को डेट भी नहीं किया। मैं यहां से चली जाऊंगी। जैसे एक मिनट, क्या कहना चाह रही हो तुम कि कुछ हुआ ही नहीं है? Let's be in this without love? कैसे करूं? एक तरफ तुम पहली किस की बात करती हो, दूसरी तरफ हम फ्रेंड्स। चार इंच दूर बैठती हो बाइक पर कि कहीं कुछ टच हो गया तो मैं कुछ हाँ? Jesse, I want to make love to you all the time. Sachin, don't talk like that, okay? What's wrong? अब क्या करूं? Friend बोलो खुद को। या इस सच को समझो जिसे तुम झूठ बना रही हो। Jesse, friends हम खुद चुनते हैं, लेकिन love हमें चुनता है। और मुझे इस love ने इतना मौका ही नहीं दिया। एक second में मैं सिर्फ प्यार ही कर सकता था और कुछ नहीं। डैड से डर लगता है, फिर भी मुझसे मिलने का मन करता है। करता है ना? क्या है मुझमें दोस्त जैसा जैसी? कुछ नहीं। तो अपने डैड को जाकर ये बोलो कि डैड नीचे वाला सचिन जो है वो मुझसे प्यार करता है, मुझे खुश रखेगा। वो मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त नहीं, मेरा सब कुछ है। अपनी लाइफ मेरे नाम कर सकता है और इसीलिए मैं अपनी लाइफ उसके साथ बिताना चाहती हूँ। कम ऑन जैसी, प्लीज हाथ जोड़ो, रो, खाना मत खाओ कुछ दिन, टायर है तुम्हारे पिघल जाएंगे। वैसे भी तुम्हारा बाप बदल गया है, मान जाएगा तुम्हारी बात। इतना लंबा चौड़ा आदमी है, कुछ तो अकल होगी। ये खुद भी तो एक पंगा है, इसे कैसे भूल गया? उसके फ्रंट से ज्यादा उसके बैक को देखा है मैंने। Not that I was complaining. कितना खूबसूरत पंगा है, पंगा नंबर 5। Me all alone in the dark. No. When you had to leave me, why'd you give me all that spark? Hey. Oh, oh. Yeah, yeah, I'm shattered now, feeling so battered now. I'm trying to move, trying to find a clue, but this ain't working somehow. Used to be a hustler, shooting guns, making dollars. Used to be a guzzler, smoking pot, sipping Harlem. Now all this money ain't helping me to forget all this pain I've got. Pain I've got. Dosti hai humko, ye bahana kyun? Pyar hai humko, ye chupana kyun? Dosti hai humko, ye bahana kyun? I love you. Pyar hai humko, ye chupana kyun? I love you. Hey, you just left me all alone in the dark. Left me all alone.
alone in the dark. जेरी ने तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, आई एम टेलिंग यू। भगवान कसम कुछ नहीं करूंगा जेरी को, बात तो कर लो। नो प्लीज गो प्लीज। सचिन व्हाई यू हियर? तो तुमसे मिले कौन आया? मैं हवा खाने आया हूँ टेरेस पर, रोज आता हूँ। कहाँ मिलता है टेरेस? झूमे बंगला टेरेस। जैस जैसी शिट सॉरी। हेलो हेलो बोल। हाँ नहीं हाँ नहीं बस हवा खाने आया हूँ बस टेरेस पर। नहीं नहीं हाँ नहीं खाना खा लिया। क्या हुआ जैसे? नहीं नहीं बस ऐसे ही। कुछ नहीं जरी। कपड़े थे तो बारिश होने वाली थी तो मैं नहीं अकेला नहीं है जरी भैया है ना साथ में। ए हाँ अच्छा बाद में करता हूँ। आज तू ऑफिस के बाहर था जैसे के साथ, अभी भी टेरेस पर नहीं है। हाँ अरे कपड़े लेने आया था, बारिश होने वाली है। अलीबाग का नहीं हूँ बट बहुत कम गुस्सा आता है मुझे। फिर जेरी तो अपना ब्रदर इन लॉ था पर उसे वो नहीं बोलना चाहिए था। थोड़ा सोचा कि माफ कर दूँ, नहीं कर पाया। एक घूसा तो बनता है, वैसे भी दिल जैसी को दिया था, जेरी को नहीं। जेरी रुक, पहले बात सुन जेरी। सॉरी पहले बात करते जेरी पहले। तुझे गलत नहीं बोलना चाहिए था। जंट भी टाइम पर देते हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? Oh my God, stop Jerry! Why are you guys fighting? Go Jesse, तेरी माँ का गाली थी पहले। पता नहीं क्यों? ए बच्चा क्या? Bad words. Mother. Okay Jerry भाई. Okay. Sorry Jerry. Jesse, I'm sorry. मैं जा रहा हूँ। बचेगा नहीं तू। बोल रहा हूँ मैं। नहीं सिग्नल खराब था। ए
एक मिनट आया। सब जारी, कुछ काम है? चुपचाप गाड़ी में बैठ, इधर मार खाएगा तो तेरे इज्जत का चौमिन बन जाएगा। नहीं तो ऑप्शन नंबर दो भी है, जूता चाट, ब्रांडेड है, माफी मांग और कटले, इतना तो बनता है तेरा अभी, है कि नहीं? कम ऑन जारी, टाइम बचाते हैं, साले को लाफाफा लगाते हैं, वैसे भी इसका थोड़ा साला एक्शन मांगता है। एक मिनट रुकना यार जारी, कल के लिए सॉरी यार, मुझे नहीं मानना चाहिए था। बुरा लगा ना जब नाक टूट गया, तो मुझे भी बुरा लगा जब तुम मुझे गाली दिया। कुछ नहीं है यार मेरी और जैसी में, और कोई एक्शन नहीं मांगता है भाई, ये कोई एक्शन फिल्म नहीं है और ना ही मेरे ख्याल से कोई लव स्टोरी। ओके तो मैं चलता हूँ, मुझे बैटिंग करनी है, तुम लोग मस्ती मारो। जेरी सॉरी वंस अगेन भाई। Hey! साला ब्लडी मोहम्मद अली, हां कहां जा रहा है इतनी भी क्या जल्दी? मिस्टर कुलकर्णी आप बाहर आइए, प्लीज कम आउट। पूछिए क्या किया इसने मेरे बेटी के साथ? ये हरकत मेरा बेटा करता आपकी बेटी के साथ तो ये क्या चुपड़ था? बात करता, 10 गुंडों को नहीं बुलाता और लड़ता भी तो अकेला लड़ता। अब वो ट्रेंड बॉक्सर है, मैं क्या करूं? और आपने गुंडों को बुला लिया इसलिए मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। क्या तुम पुलिस को बुलाओगे? हाँ शरी कंप्लेन कोड कर, नमक का गाना नमक नौका। अरे गुंडा तो आपका बेटा है, मेरा नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? दुनिया से परे है आपको क्या लगता है? बोलना चुप होने दो। हाँ बताओ इनको। जॉबलेस, कोई काम नहीं करता, सारा दिन आवारा करता। चुप करो, असिस्टेंट डायरेक्टर है, शोले के डायरेक्टर के साथ फिल्म में काम गवार कहेगा, उसे बोले जैसी से बात ही नहीं करना। अरे आपकी बेटी से पूछो, सारा दिन हमारे घर में क्या करती रहती है वो? जैसी नहीं कुछ किया होगा। अरे सचिन नहीं आता आपके यहाँ, आपकी बेटी आती है हमारे घर। आपका बेटा ईव चेसिंग करता है, उसे अरेस्ट करवा दूंगा मैं, देख रहे हो तुम? आ रहा गुंडा अंदर। This is my house. Uncle, I'm sorry. And this uncle. is my daughter. Okay? Appa, enda ikkali kelane va. Appa, unnu illa appa, moor le kelane. Khali kar do. Appa, ji khali kar do. Nahi jayenge. Come on, no, please. Nahi khali karenge. Please ask. Aap jaake builder se baat kijiye. Appa, please. Mere builder ka bada advance diya hai. Please come out. Rasid bhi hai mere paas. Are, jao jao. Rasid kya baat hai? Chhod, dekh lenge hum bhi. Are, consumer court chala jaunga main. Ye kya baat karta hai idiot? Pehle 3 mahine ka notice dena padta hai. Aise kaise khali kar de? तुम क्या प्यार करते हो जैसी से? हाँ यस। और वो करेगी? टाइम लगता है इन सब में। तुम उसके भाई की नाक तोड़ोगे तो भी करेगी, पर नाक तो ठीक हो जाएगी आई होप। मैं फिल्म मेकर बनूंगा, जैसी मुझसे प्यार करेगी। तुम्हारी लाइफ में कोई नॉर्मल होप भी है या नहीं? अरे अपने गर्लफ्रेंड के भाई की नाक को कोई तोड़ता है क्या? अरे मुझे हिंट ही दे देते उसे प्यार करते हो तो अपने में गुस्से को कंट्रोल कर लेता ना। पापा अब ऑल द बेस्ट, और क्या जैसी? व्हाट, तुमने बुलाया राइट? कहाँ जा रही हो? मैंने सोचा कि सब खत्म हो गया, उसने कहा सोचो मत, सब खत्म हो ही गया। ऐसे करते हो तुम प्यार मेरे ही भाई कुमार के? मैं तुमसे प्यार करता हूं ये तुम जानती अच्छा, हो। अच्छा, अब मेरी शादी हो रही है एंड सब खत्म करो सचिन। शादी इन सब की वजह से? पहले से ही सोच रहे थे, अब बस फाइनल कर दिया है। मैंने सोचा भी था अपने बारे में कि I'll try and convince them, but अब ये सब जो हुआ it's impossible now. सचिन next month
The 23rd. It's my wedding. At the same church. अब तुम बताओ मैं क्या करूं सचिन? जा, जा जा के शादी करो जैसे, और क्या? मेरी परमिशन लेने तो नहीं आई हो, बस इन्फॉर्म करने आई हो, राइट? बता दिया ना? खड़ी क्या? जाओ, गो। मेरे सामने सामने वो सब जैसी की शादी के लिए केरला चले गए। कहने की जरूरत भी नहीं कि हमें इनवाइट नहीं किया। मुझे जेरी को नहीं मारना चाहिए था। शिट मैन, सबसे बड़ा पंगा तो मैं खुद ही निकला। ये गलत है। देख सचिन, वहां जो वो लोग थे ना, रंग बिरंगी लुंगियों वाले, संभावना है कि वो हमारे जो चेहरे हैं ना, रंग बिरंगे कर देंगे मार मार के। तो इसको इग्नोर कर दें। सर जाना है सर। गिव मी वन रीजन व्हाई डू यू वांट टू गो सचिन। सर आप जानते हो रीजन क्या है सर? सर बस एक बार उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, आपको अपनी वाली जैसी की कसम। सर जैसी की शादी, इतना बड़ा फंक्शन है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? सचिन यहाँ देख, खड़ा मत हो, या तो यहाँ से निकल ले या अंदर चल। किसने पहले सोचा चाहिए? अरे अबे हमारा वीटी बंदा नून रिचिट पोयर है। ओह शिट, देख लिया। सर जैसी की अंकल। ओ हेलो, जैसी का फ्रेंड्स है ले। हेलो जी, आवो आवो, बैठो बैठो। പിന്നെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞ് ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ. सर क्या बोल रहे हो? सर सच बोल रहा हूँ भाई, चर्च में सब सच ही बोलते हैं। ये वजह समझोगे नहीं। ऑफिस सर, जरी जैसी का भाई। सर पीछे मत देखना सर। अबे हम तो बिहाइंड द कैमरा है बेटा, तुम पीछे मत देखो। ऐसा क्यों हो रहा है यार तेरे साथ सचिन? अच्छा नहीं लग रहा यार। सर घूम फिर कर कहां पहुंच गया मैं? जैसी पर क्यों सर, कहीं और क्यों नहीं? अब इसका जवाब तो यार मेरे बाप के बाप के बाप के पास भी नहीं है। आ गई जैसी सर। सर बात करूं मैं जैसी से? यानी यानी नरक। जब जाना हो तो बता दियो भाई, बैठते हैं तब तक। चल भाई प्रेयर भी कर ले अब। केडा नमक केलर तुम भक्तियोडी श्रद्धियोडी कूड़े कर्मतिल पंगोला। सर खुश है सर, वो चलते हैं सर। बोला था ना यार तुझे कि इमोशन लोचा होगा यहाँ, मत आ। अभी दो तीन मिनट में चलते हैं वरना फिजिकल लोचा हो जाएगा भाई।
सर इनमें प्लीज पूछ देना पहले इफ शी इज विलिंग है ना सर सर जैसी से पूछेंगे ना पहले फिल्मों में तो यार लड़के से पूछते हैं पहले सर सर सचिन अब क्या हुआ इनसे पूछने के बाद हमसे भी पूछेंगे ना सर मैं उठा दूं हाथ सर मैंने देखा है फिल्म से सर कैन आई ऑब्जेक्ट सर सचिन शट अप ये सब हिंदी फिल्म्स के कोर्ट रूम में होता है यार क्या नहीं होता है मर जाएंगे यार ऐसा कुछ मत करना प्लीज रॉय थॉमस मिशिगायुടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി ജെസിയെ നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു മിശിഗായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടും കൂടെ റോയ് തോമസിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നുവോ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് ഈ കല്യാണത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല ജെസി വാട്ട് ആർ യു ടോക്കിംഗ് അബൗട്ട് ഈ കല്യാണം ഇപ്പം എനിക്ക് വേണ്ട നോ നോ ജെസി ഫാദർ ഐ ആം സോറി ഞാൻ അവളോട് സംസാരിക്കാം പ്ലീസ് എന്താ അവൾ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ അപ്പനെ ഇളക്കിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പെണ്ണ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞു സനാതുലേ നീ എന്നെ സംബന്ധിച്ചല്ല നോ ബോൾ ദിയ ജെസി നീ ഒള്ളാ കാപ്സൈൽ പെട്ടാ യാർ തു നോ ബോൾ ദിയ क्या 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 दिया हां लव कनेक्शन है तेरा यार कुछ राइवल एंड द लॉयल्टी केयर जैसी आई एम सॉरी अप्पा प्लीज व्हाट्स हैपनिंग आई हैव गिवन इट अ लॉट ऑफ थॉट एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू आई एम सॉरी आई कांट गो थ्रू दिस राइट नाउ तनिके द वटान आई एम सॉरी आई विल टॉक टू यू जैसी क्या लड़की है जान दे सकता हूँ इसके लिए बॉस यहाँ तो गुस्से वाली शुरू हो गई हैं क्या करें यहाँ से निकलते हैं भैया नहीं तो सलाद की तरह काट के खा जाएंगे चल 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 आशा आशा चल वैसे भी लंच कैंसिल हो गया है सर देखा इसीलिए मैं कह रहा था मुझे यहाँ आना है ऊपर वाला भी जानता है मेरे इमोशंस को सही है सब जानता है सब जानता है आगे निकल अभी भी उसका चेहरा दिख रहा है आपने खुशी देखी थी जब भी उसने मुझे देखा सर जैसे कोई हो उसका अपना वन पीस बनाया है सर ऊपर वाले ने सर वन पीस जैसे ने हमें देखकर जो है ना हेलो सचिन हेलो अने नहीं बोला वरना ऐसे गुस्से पड़ते ना बहुत शक्ल भी नहीं पहचानते एक दूसरे को हेलो भी सच में यार वन पीस बनाया भैया ऐसे सर कहाँ जाओ सर यहाँ भी और अपनी जिंदगी में भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा अरे तेरी फिलोसफी मेरी जान तेरा इमोशनल चौराहा बेटा ऐसे में कोई ना कोई बस आएगी और ले जाएगी तो ये तेरी मंजिल तक टेंशन मत ले ये ले आ गई बस चढ़ जा मेरी जान चढ़ जा भूल जा गम पिछाड़ी पकड़ गाड़ी पड़ जा गाड़ी आ जा ये मंजिल तक लेके जाएगी एक बात तो है सारे चर्च है ना यहाँ एक जैसे हैं सेम टू सेम देख एक जैसे ये वही है सर सेम टू सेम है क्या बात कर रहे हो ये कहाँ ले आई मंजिल में है आखिर जी भाई उसके भाई ने देख लिया किसे सर मर गए सर नहीं मार जल्दी से मिल गई पीछे आ रहे सर अरे देखा वेखा नहीं होगा यार तू नीचे आ जा नीचे चढ़ जाओ पकड़ लो बस अपनी मंजिल को लेके जाएगी मरवा दिया सर अरे मुझे क्या पता यार अब तेरी यही मंजिल है तू अब ये समझेंगे जैसी और हमारा प्लान था गुस्से में कुछ समझ में नहीं आएगा गड़बड़ हो गया सब
और जस्सी को पता तक नहीं सर। सर क्या करेंगे सर अब? इतना बड़ा कैमरा मैनू, कह देंगे लोकेशन देखने आए थे यहाँ पर। जैसी है ना इधर सब पाव भाजी बना के खा लेंगे सर। लगा दी बाइक तेरे के घुसे और नाक में तेरे 20 सेकंड का फर्क है क्या? पता करेगा क्या? आप तू क्या कर रहा है यहाँ? इवन जैसे मैं क्लासमेट ले इवर अल्ले कुछ नालों पर बीटी वन उन्होंने जरूर बोले ये ना प्रश्न ये तो चच में भी दाबी क्लासमेट हो नीचे उतर उतर नीचे नहीं उतरता बोल नहीं 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 ओ उतर 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 एक मिनट बात करते उतरते चल चल आजा एक मिनट आजा नीचे उतर बात बिगड़ेगी येड़ा ये बता रहा हूँ मैं मेरी बात सुन क्या प्रॉब्लम यहाँ लोकेशन देखने आए हैं नई फिल्म के लिए तुम्हारे तो माला लगा रहे हैं रोमांस बाय चांस देख आई एम अ वेरी बिग कैमरामैन पूरी दुनिया में घूम फिर के तुझे जैसी क्यों मिली यार? सच में भाई बहुत बड़ा सवाल है ये। सर इसका जवाब तो मुझे भी चाहिए सर। बहुत शौक था ना बेटा, जान भी दे दूंगा जैसी के लिए। आ गया राइट टाइम, दे दो जान अब। सर नॉट टू घबराओ सर, सबको मरना एक दिन सर, सब वर्थ इट सर। सर जैसी के लिए मरना सर परवाह नहीं सर। परवाह नहीं सर? अबे मैं क्यों मरूं? मेरे लिए कैसे बढ़ते ही? इट्स ओके सर। इतना बड़ा कैमरामैन, क्या बदनामी हुई है उसकी? पुलिस स्टेशन सर, मैंने लाइफ में पहली बार ओरिजिनल पुलिस स्टेशन देखा है। रमेश सिप्पी की फिल्म कर रहा हूं यार मैं, क्या निकाल देंगे मेरे को बाहर सर? फैमिली पता नहीं क्या कहेगी। क्या क्या सर? क्या सर? उसने शादी को नो बोल दिया सर। सचिन कितना बड़ा कमीना है यार तू, कसम से। क्यों आए थे सचिन? क्या मेरे लिए आए थे तुम चर्च में? मनुष्य ने मौत होकर मिला था ये तो मार रहा है ना मार रही है ये तो संसारी कर उन्होंने संसारी कर लिया अपन ज्ञान वाला प्रॉब्लम 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 अपा, वो यहाँ भी आ गया पीछे पीछे। Who? सचिन और उसका कोई दोस्त। What? इन्हीं माता में। Yes पा, पहले भी आए थे घर यहाँ, जैसी के क्लासमेट बनके, खाना भी खिलाया इन्होंने। हाँ, सचिन, अमित का फ्रेंड और एक कैमरामैन, अवल्टा क्लासमेट चाहे तो वरना नांगल लगाते गए थे। सुना तुमने? What nonsense is this? अबे रेंडे वेरे पुलिस स्टेशन आना। What police station now? रॉय चेन पर हाथ उठाया था, लॉकअप में है दोनों अभी। इंदगी लोर प्लान है क्या अवरे? भागने का प्लान, मैं बता रहा हूँ। നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുക പ്ലീസ് 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 ജെറി സച്ചിൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണോ ജെറി ജെറി ഡു യു ഈവൻ നോ മീ ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു ലുക്ക് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് എ ലോങ് ടൈം അഗോ ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോ സച്ചിൻ വാസ് ദേർ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റീസൺ ഐ കോൾ ദ വെഡിംഗ് ഓഫ് മുജെ തോ വാ തബീ ദിഖാ ജബ് മൈ ചർച്ച് സേ നിക്കൽ റഹി തി ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഇവൻ നോ ഹി വാസ് ദേർ ഐ പ്രോമിസ് യു ദാറ്റ് ബിലീവ് മീ What Sachin done, Ma? Why have they arrested him? He hasn't done anything wrong. Jesse, I will never allow this. You know Roy Thomas? He's vice president. Future line in San Francisco. And who the hell is he? Film director? That's what he's doing. And what future he has? Mm-hmm. And my God, Jesse, he's a Hindu. What happened to you? Did you forget? I promise you. I'll meet him, I'll talk about it. I'll give him a gun. जैसी
What about the wedding? Even no, 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 no. அவளே പറഞ്ഞதல்லே அவனே போர்த்து கொண்டு வரணும் அவனே போர்த்து கொண்டு வந்துட்டு പറഞ്ഞു விடு ப்ளீஸ் அதൊന്നും குழப்பம் இல்ல அதൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശരിയായിക്കോളാനേ ജോസഫ് സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ജെസിക്ക ബാബ ആ കളോജ രണ്ട് സൈഡിലും ടാലന്റ് ആക്കിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ കേസ് എഴുതാൻ പോവാ വേണ്ട കേസ് ഒന്നും എഴുതണ്ട അമ്മാരെ വിട്ടാര് ഷൂർ ആണോ സാർ ഷൂർ പ്രശ്നമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല വിട്ടാര് इतना घूर के पता नहीं क्या देख रहा था यार इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है तुम्हारे अंदर हंसना बंद कर यार देखो पागल मत बन जेरी इससे भी चैन नहीं है यार हमको परेशान मत करो नहीं कर बोल देता हूं नहीं करेंगे पता नहीं क्यों तुमको बचा लिया मैंने वरना सरते 10-15 दिन के लिए अंदर नहीं नहीं सर देखो जेसी भी तुमसे बात नहीं करेगी बिल्कुल नहीं करेगी निकल जाओ यहां से पक्का सर दिखना भी मत नहीं सर हु आर यू Sir, I'm a cameraman, sir. You look like a decent guy. Why didn't you put some sense into him? I will, sir. I will take care of it. And get lost! Yeah, Pakka, sir. Come. Point it up! Yes, sir. Agar sab theek bhi ho gaya, toh bhi iske baap aur bhai ka kya karoge? Inse toh hello, aayi bhi nahi hai tumhari. Nahi, matlab... घर आना जाना हैप्पी डिनर भैया दे हेट यू नफरत करते हैं तुमसे सैन की नफरत के तेल लेने ये सब तो चुटकी में हो जाएगा बस जैसे ही मान जाए मिलना है सर जैसी से सचिन पागल हो क्या तुम थोड़े से हाँ अरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यार कोई लाइफ में तुम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मेरी नहीं मिलना बिल्कुल भी सर प्लीज सर प्लीज मरवाएगा क्या यार लाइट जल रही है बेटा कहीं मान तो नहीं गई जैसी शादी के लिए क्या सर नहीं सर अगर पकड़े गए तो मेरा नाम मत बोलो पारनेका अबे यानी कि पकड़े जा सकते हैं ओए प्लान कैंसिल मजा मुझे तुमसे मिलना है तुमसे बात करनी है सचिन एक बार अभी शायद फिर ये कभी ना हो कहाँ हो तुम सचिन तुम आज कमाल की लग रही हो वेडिंग वाली साड़ी में भी तुम पागल हो मेंटल अभी सोचा तुम्हारे बारे में और मेरे सामने मैंने देख लिया अब तुम जाओ कोई और ना देख ले जाओ यहां से प्लीज दो मिनट बाहर आओ ना प्लीज नो प्लीज ओके ओके यू नो व्हाट वेट किया है नेट से कि तुमसे ना तो मिलूंगी ना ही बात करूंगी प्रॉमिसेस सब ऐसे ही होते हैं जैसी तोड़ देने चाहिए एंड थैंक्स तुमने शादी भी तोड़ दी और वो भी चर्च में क्या डेयरिंग है तुम्हें जैसी और तुम्हें वो रॉय थॉमस असर नहीं आया क्या मुझे तुम पसंद हो आई एम लव विद यू सचिन चर्च में रियलाइज करना था तो मुंबई में ही कर लेती एक से एक अच्छे चर्च है वहां संडे जाती भी हो तुम चर्च बहुत परेशान किया ना पीछे ही पड़ गया ना तुम्हारे और तुम्हें प्यार हो गया
ऐसा नहीं है, मुझे भी तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। गेट के पास उसी समय, और फिर जब भी देखा तुम्हारी आंखें कुछ पूछती थी और मैं बहुत कुछ बताना चाहती थी। और पता है, जिस दिन हम टेरेस पे मिले थे उस दिन मैं तुम्हें छूना चाहती थी। जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मुझे लगा कि तुमने वो सब पढ़ लिया जो मेरी आंखों में था। थैंक गॉड तुम केरला आ गए मेरे पीछे सॉरी बोलने, मुझे अच्छा लगा। फिर तुमने ट्रेन में फ्रेंड्स लिख दिया, मैंने तुम्हें ढूंढा, जैसे ही देखा मेरी हार्ट बीट ट्रेन से भी फास्ट चलने लगी। मैंने माना नहीं, पर वो प्यार था सचिन, और जब तुमने किस किया तो मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। खुश शब्द हो सचिन, चले जाओ, मैंने कहा था कि ये सब होगा। तुम अच्छे इंसान हो, ये सब नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। I'm sorry, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सब प्यार की वजह से हो रहा है। रची तो तुम मुझसे भी ज्यादा हो। चलो ना अभी साथ में, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। I really love you. बस सब अच्छे से हो जाए, तुम भी ऐसा ही चाहते हो ना? मैं अपने डैड को कन्विंस कर लूंगी, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे लिए आऊंगी सचिन। तुम अब मेरी तरह बात करने लगी हो, स्ट्रांग एंड रोमांटिक। Okay.
पर जाने क्या लिख दिया मुझको अब तो नए शब्द है मिल गए है शब्द ये प्यार के जी सर ये जो एडी है ना हाँ जी ये बहुत चिल्लाएगी बहुत तुझे भगाएगी और तुमको करना भी पड़ेगा जी सर सुनना भी पड़ेगा यस और सीखना भी पड़ेगा यस सर जी सर एक्शन दूर समंदर के पास हीरो खड़ा है दुखी
और जैसे ही हम उसकी फीलिंग्स रीड करते हैं कैमरा साथ साथ उस पे चार्ज करता है और फिर रहमान साहब टेक ओवर करेंगे। मोहब्बत है एक ख्वाब या एक जुनू है किसी को मोहब्बत अगर है तो क्यों है मोहब्बत में तो सिर्फ बेताबियां है तो फिर क्यों मोहब्बत में दिल को सुकून है सुकून है कोई ये बता मोहब्बत है एक ख्वाब या एक जुनून है किसी को मोहब्बत अगर है तो क्यों है मोहब्बत में तो सिर्फ बेताबियां है तो फिर क्यों मोहब्बत में दिल को सुकून है entertain a conversation about Sachin in this house anymore. I will be happy, so you will be, if you say yes to Roy. Enough is enough and it is done. Mohabbat mein sab kuch hasi lagta hai kyun sitam jo kare dil nashi lagta hai kyun Mohabbat hai jisse wo dil tode bhi to bura phir bhi dil ko nashi lagta hai सचिन जैसी व्हाट हैपेंड सचिन कोई कॉल नहीं एसएमएस भी नहीं मी आई मीन तुम्हारा कोई रिप्लाई ही नहीं आया फिर शूट चलता रहा डे एंड नाइट एंड सिग्नल सचिन यहां बहुत प्रॉब्लम हो गई है मुझे अभी वहां मैं आ रही हूं वहां तुम मुझे बताओ बैंगलोर से वहां कैसे पहुंचना है क्या कह रही हो जैसी क्या हुआ वही सब रॉय एंड ऑल तुम भी इरिटेट हो जाओगे मुझे आना है तुम्हारे लिए सचिन मैंने कहा था तुम्हें केरला में जैसी हम जहां हैं वहां नहीं आ सकती हो तुम तुम्हें नहीं आना चाहिए यहां तुम नहीं चाहते हो मैं ऐसा तो नहीं कहा मैंने तुम्हारे लिए नहीं है यह जगह यू बी अनकंफर्टेबल आई विल बी अनकंफर्टेबल ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज मैं आता हूं बैठ के बात करते हैं और कुछ नहीं होगा रिलैक्स तुम मेरे साथ होना नहीं चाह रहे हो और मुझे साथ होने नहीं दे रहे हो केरला में तुमने कहा कि चलो उसी समय चलो और अब तुमने भी उस समय नो बोला मैं समझा ना प्लीज काम डाउन जैसी मैं आई कम देयर काम कर रहा हूं यहां नहीं है टाइम बिल्कुल भी आता हूं करते हैं कुछ ओके जैसी 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 आर यू देयर जैसी कैन यू हियर मी या सचिन ठीक है आ जाओ तुम भाग करते हैं मैं वेट करती हूं ओके बाय जैसी अंतिम निवेदन है कि वे तुरंत अपने विमान की ओर
बात कभी जैसे परसों रात को क्या करेगा सर दो दिन में जाकर वापस भी आता हूँ सर बस रमेश सर से एक बार बात कर लो सिर्फ आना और जाना सर और तो ऐसा कर तू खुद बात कर ले ठीक रहेगा ओके गो सर आई पहले दिल का प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर वापस आओ काम में और भी मजा आएगा गो बस ये HDFC के पास सिलेक्ट है What do you mean? Shh, what? Chillane ki zarurat nahi. Stop it. Sanjeev. Listen. Sanjeev. Hame baat karni hai. आ गया मैं तुम्हारे लिए शूटिंग अपना काम छोड़कर बताओ क्या चाहिए कहाँ जाना है क्या प्रॉब्लम हो गई है अब सब खत्म है सचिन प्लीज लेट मी गो इट्स ओवर वो तो SMS में भी लिखा है पर क्यों क्यों लिखा है ये जानना है कुछ नहीं हुआ कि ऐसे बिहेव करो 20 दिन पहले सब सही था कमाल का था अब क्या आफत आ गई है जैसी तीन दिन पहले तुम सब छोड़कर आना चाह रही थी ना मेरे पास और अब इट्स ओवर हाँ अब वो पल चला गया सचिन वो पल अब नहीं है इसलिए क्योंकि मैंने कहा बताओ अभी बताओ इसीलिए ना हाँ जैसी क्योंकि मैंने कहा बताओ या फिर तुम्हारे डैड ने फिर कुछ बोला तुम्हारे बाप ने आज जाके बात करता हूं इनसे भी आई डोंट केयर सचिन अब मुझे तुमसे प्यार नहीं है आई डोंट केयर एनीमोर और मेरे डैड के बारे में बकवास करना बंद करो क्या हो गया जैसी क्या गलत कर दिया यार जैसी तुम नहीं मेरे डैड नहीं हमारे रिलीजियंस नहीं इट्स मी सचिन इट्स मी मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूं क्यों भाग लो की तरह मुझसे प्यार किया क्या किया था मैंने तुम्हारे सामने से निकली ही थी ना पीछे 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 क्यों जैसी मना किया था मैंने पर नहीं माने तुम और मुझे भी हो गया तुमसे प्यार आई एम सो सॉरी एंड यू नो व्हाट अब ये पेन है तो है मुझे पसंद है और मुझे नफरत है फिल्म से तुम्हारी दुनिया से अंधेरा भीड़ और तुम्हें फिल्म्स बनानी है हाँ सचिन हम गलत थे 100% गलत
मुझे इससे अच्छा कभी नहीं लगा। पर हमें लगना चाहिए ना सचिन, और हमें नहीं लग रहा। और कहीं ना कहीं तुम मुझसे नफरत करो चलेगा, पर मेरे मॉम डैड नहीं। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, पर अब मैं थक गई हूं, कुछ नहीं हो सकता। मुझे चले जाना चाहिए सचिन। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता जैसी। I'll wait forever। तुम उसकी टेंशन मत लो। प्रॉब्लम्स होते हैं, पर प्रॉब्लम्स हैंडल भी होते हैं जैसी। सचिन, लेट मी गो प्लीज। I can't let you go, Jesse. No way. अब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती हूँ। और फिर तुम्हारे लिए मुझे भुलाना आसान होगा। शायद मेरे लिए तुम्हें फिर से प्यार करना मुश्किल। You don't mean that, Jesse. That was it. Meri zindagi se chali gayi, Jesse. Ek ghante tak khada raha us raat. Wo nahi aayi. Aana chahiye tha, par ब्रेक सिटी मिडिल फिंगर दिखा के मेरी लाइफ से चली गई जैसी। प्रतिभा शादी हो गई उसकी। She's in UK. Sachin, forget her and move on. कल तुम्हारी वजह से हम सबको डांट पड़ी। सिर्फ एक तुम ही काम करते हो, हम तो बस ऐसे ही हैं। एनीवे, माफ किया, नील डाउन करने की जरूरत नहीं है। तुमने राइटिंग में भी एसेस किया है ना सर को? ज्यादा हवा में मत आओ, किसी भी दिन सारी हवा निकाल देंगे सर। ओके, फिल्म मेकिंग जो है ना क्रिएटिव प्रोसेस है, इसमें क्रिएटिव टेंशन भी होती है, क्रिएटिव शाउटिंग भी होती है। यार करता हूँ मैं तुम लोगों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे को रमेश सिप्पी से मिलवा दिया, लूट गए, पता नहीं क्या है, डांट दिया सर ने, डांट दिया। कोई गुलाम जामुन खिला था कैमरामैन? आफ्टर यू। इट्स ओके यू गो। कुछ कहना था, पता नहीं तुम क्या सोचते हो, क्या फील करते हो मेरे लिए, but I like you. I really like you. It's like पहले बिल्कुल पसंद नहीं थे तुम। इसकी आंखों में जो दिख रहा है वो कभी मेरी आंखों में जैसी के लिए था मुझे मंजूर नहीं।
इसलिए लगा कि इसे हमेशा के लिए एक कहानी में बदल दूं। मेरी और जैसी की कहानी, जैसी और मेरी कहानी। सब मेरी फिल्म कंफर्म हो गई। क्या? Really? सब मुझे अपने हाथों से आपको एडवांस देना था, चेक देना था। So sweet of you. सब मैंने प्रोड्यूसर से भी बात की इसलिए, स्पेशली इसके बारे में। सब प्लीज। कमाल है यार। Congratulations. And thank you. Good. Thank you, sir. तो क्या नाम है तेरी फिल्म का? जैसी? Sir, you're a genius. Also, I just love the way it begins. Love ka circle, Jesse Puri kyun rakha. Brilliant, brilliant. Sir, this is the one. I definitely want to do this. Sam, tum bano na Jesse. What? What are you saying? Tum karo na, Jesse ka role. Are you mad? Tell me who you want. We'll go look around. We'll find someone. You. दर्शिनी स्वर्ण हंसिनी सुन ले मन पुकारे डूबेंगे दोनों ही इनमें गहरे हैं ये प्रेम धारे
So finally बन गए तुम डायरेक्टर? कोई है अब तुम्हारी लाइफ में? हाँ, कोई आ गया है ना सचिन? I'm sure आ ही गया होगा. मुझसे अच्छा जो कंफ्यूज नहीं होगा मेरी तरह. हाँ, कोई है? कौन? आई मीन, कुछ बताओ उसके बारे में. सुंदर सी है, मुझे बहुत प्यार करती है. एक दिन उसने कहा कि मुझे देखते ही उसे प्यार हो गया था. 2 साल हो गए अब. जब तुम गई तो मैं थोड़ा गुस्से में था. कुछ समझ ही नहीं आ रहा था लाइफ में. पर फिर जब ये आई तो समझ आया कि सब ठीक है. वो बहुत अच्छी है. शी इज अ गुड गर्ल. और बताओ. सिंपल सी है. कोई मेकअप नहीं, बस थोड़ा सा जब मेरे साथ बाहर जाती है. कर्ली बाल नीचे से, आगे से स्ट्रेट है. चिल्लाना पसंद नहीं उसे. नाजुक सी, काम सी लड़कियां होती है ना वैसी. जब वो साथ होती है तो मैं कहीं और देख ही नहीं पाता. सारी में बहुत कमाल की लगती है वो. उसे बहुत पसंद भी है साड़ी पहनना. मुझे बहुत प्यार करती है पागलों की तरह. हम बाइक पर घूमते हैं, बहुत घूमते हैं. मैंने उसे किस भी किया है. हम हमेशा एक दूसरे के दिल में और एक दूसरे की बाहों में रहते हैं. हम कहीं भी कभी भी मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं. बस फिल्म्स नहीं पसंद है उसे, पता नहीं क्यों. जब हिंदी बोलती है तो थोड़ा सा मलयालम डचाता है, पर जो भी बोलती है अच्छा ही लगता है. उसका नाम है जैसी. चली गई तो इसी ने संभाला मुझे, वरना गया था मैं. तुम्हारे जाने के बाद मेरा तो सब खत्म हो गया था ना जैसी. पहला प्यार कभी भूलता नहीं है. तुम्हें भुलाना बहुत मुश्किल था जैसी. ये दिल में थी. सब ठीक हो गया.
पर मैं उसकी भी लाइफ में नहीं हूँ। शादी हो गई है उसकी, वो भी अपनी मॉम डैड से बहुत प्यार करती है, कुछ भी कर सकती है उनके लिए, मुझे भी छोड़ सकती है अपने प्यार को। बहुत कम लड़कियां होती हैं ऐसी जो अपने माँ बाप के लिए अपने प्यार को भी सैक्रिफाइस करते हैं। सल्यूट करता हूँ मैं, हिम्मत है उसमें, पर कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे, वो दिल में तो रहेगी, वो वहां से खुद भी नहीं जाएगी, और अगर जाएगी भी ना तो बताकर जाएगी, तुम्हारी तरह नहीं जो बिन बताए चली गई। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी शादी अभी भी नहीं हुई है सचिन, मैं तुम्हें छोड़कर तो गई पर भूल नहीं पाई। I'm not married, Sachin. मेरे डैड को तुम पसंद नहीं थे और मुझे अपने डैड की पसंद। I've been in Delhi for the past 6 months. अभी भी डैड मुझे कन्विंस कर रहे हैं। आए थे यहाँ लास्ट वीक ही गए, बोले कि शादी कर लो, मैंने मना कर दिया, गुस्से में चले गए। मैं तुम्हें नहीं भूल पाई हूं, तुम्हें कभी भूल भी नहीं पाऊंगी सचिन। मेरा भी तो पहला ही प्यार थे तुम सचिन, मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। सॉरी मैं तुम्हें बता के नहीं आई, पर मुझे लगा कि वक्त के साथ तुम भूल जाओगे। मुझे जो भी लगा वो गलत था। I thought you'll move on. I was so wrong. I'm so sorry. But ये दोबारा क्यों हो रहा है? Of all the days I choose to come to see the Taj, you here. तुम्हें भी आज ही यहाँ आना था सचिन, मुझे नहीं चाहिए ये सब दोबारा। इनफैक्ट मैं जा रही हूँ। जैसी, जैसी, शादी करते हैं जैसी, प्लीज अभी इसी वक्त इसी पल, अगर ये पल निकल गया तो 10 साल के बाद भी जब तुम मिलोगी यही कहोगे कि क्यों निकालने दिया इस पल को। जैसे कुछ नहीं बदलेगा, 10-20 साल सारी जिंदगी हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। हम यहां ऐसे ही नहीं मिले हैं, हम तब भी ऐसे ही नहीं मिले थे। वो जो शटाक से हुआ था ना एक दूसरे को देखकर, वो प्यार था। कुछ है हमारा जो सिर्फ हमारा है। अभी आज ही इसी वक्त करते हैं शादी। मां की जय, नई जिंदगी नया आज। चलो जैसी प्लीज बोलो यस, बोलो यस जैसी, प्लीज बोलो यस जैसी, प्लीज जैसी। Yes. Yes. Bored, huh?
उद्यान में अश्लील हरकतें करना दंडनीय अपराध है। पर जेल भी जाना पड़े ना तो भी आई डोंट केयर। आई वांट टू किस यू जेसी, प्लीज लेट मी किस यू। यस प्लीज किस मी। அப்பா
यार हीरोइन के फादर ने क्या कहा है तो दिखाया नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है हीरो हीरोइन मिल गया ना लास्ट में अच्छा बता तुझे मूवी कैसी लगी बहुत अच्छी नो डाउट हिट कैसी लगी फिल्म बहुत अच्छी लगी मैंने खुद को देखा आई मीन हम दोनों को हमारी लाइफ सेम घर सचिन घर का तो वैसे ही होना था ना पर मैं इतनी अच्छी नहीं थी तुम्हारे साथ या अग्रीड पर मैंने सोचा कि फिल्म है तो थोड़ा अच्छा दिखा लेते हैं तुम्हें हाँ हाँ बोल निकल क्या बात कर रहा है कसम से अरे सर का काम भी सुपर है ना या सीरियसली भैया माँ की जय कर दी आपने पता है सुपर हिट हो गई फिल्म मेरी बॉल में चुपका क्या फिल्म बनाई है यार मजा आ गया मेरा काम भी बड़ा अच्छा भैया बड़ी अच्छी लग रही है फिल्म निखिल का फोन आया था तुम्हें कैसी लगी बहुत अच्छी लगी तुम्हारी तो अपनी लाइफ है मजा आया गुड गुड अच्छा अब चलते हैं पीवीआर जू वहां देखते हैं फिल्म पब्लिक के साथ जैसे तुम भी आओ दोनों आओ साथ में आओ आजा 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 रमेश सीपी सर भी आ गए भैया विजय आली वाली सब पहुंच गए और चेक मिल गया कांग्रेचुलेशंस अरे अनेसा तो बस सबकी मां की जय कर देते हैं मंडे को पता चलेगा सब तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी मेरे अलावा सब जानते हैं कि तुम कितने टैलेंटेड हो सचिन उससे शादी करते जिसने कम से कम 25 फिल्में तो देखी हो मुझसे क्यों क्योंकि तुम जरूरत हो मेरी अच्छी फिल्म्स बनाने के लिए ताजमहल सीन में पता है मुझे रोना आ गया था पता है कैसे जब तुम फिल्म देख रही थी तो मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा था जैसी मेरी सबसे बड़ी ऑडियंस तुम एंड हेलो हमने किस कब किया था वो भी बीच पार्क में हंसो मत मुझे सचिन अच्छे से याद है तुमने मुझे हक किया था फिर मुझे देखा था और फिर दोबारा हक किया था किस कब किया था हिंदा जैसी नहीं मरन न मोले अरे वही तो वो किस थी जिसने मुझे मेरी लाइफ वापस दे दी नो चांस आइडिया डैड को दिखाया फिल्म शायद फिल्म देखने के बाद तुम्हें अच्छे से समझ सके क्या कहते हो अभी तो सिर्फ हाय हेलो ही है क्या पता वो शायद तुमसे बात भी करने लग जाए हाँ सचिन तुम ले आओ मुझे थोड़ा कम लगता है कि ऐसा भी कोई जादू हो सकता है जैसी मैं थोड़े राउंड मार के आता हूँ थिएटर्स के तुम्हें घर छोड़ देता हूँ पहले बैठो मैं भी साथ चलती हूँ पर तुम्हें तो भीड़ अंधेरा और वो सब शोर पसंद नहीं है ना सचिन तुम मुझे लेकर जा रहे हो या नहीं ओके चलो यार एक तुम और एक तुम्हारा बाप पापा डैडी ओके फादर चलें सचिन नहीं सच में चलें हाँ कसम नहीं समझ आती तुम दोनों यार हाँ अतरंगी हो तुम लोग अतरंगी अतरंगी बहुत अतरंगी राइटर डायरेक्टर बन गए तो कुछ भी बस यूज करोगे क्या Everybody wanna know I feel like I really wanna be here with you It's not enough to say that we are made for each other It's love that is Hosanna true Hosanna be there when you're calling I'll be there Hosanna feeling like my whole life has changed I never wanna be the same It's time to rearrange I'll take a step, you take a step and me I'm calling out to you Hello
उड़ती हुई तितली की रंगीन परछाई रह जाती है फूलों में, वैसे ही तुम एक तस्वीर के जैसे छाए हो इन आंखों में। हुसाना तुम जो मेरा ख्वाब हो, हुसाना दिल क्यों ना बेताब हो, कहूँ तो क्या कहूँ मैं क्यों दीवाना हूँ, तुम्हारे बारे में ही हर घड़ी में सोचता हूँ क्यों। सपनों की राजधानी सारे सारी खुशियां अब दोनों की है कहता दिल।